माल की बरीक माल बहुत कम है और मुझे उम्मीद है मंदा आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन माल की मात्रा बहुत कम है। अब की बार प्यार बहुत ज़्यादा थी, 11, 21 और 17, 18, ये तो बहुत कम है, तो इसके रेट मंदे आने की तो कोई संभावना नहीं। दो दिन तेज हो जाते हैं, दो दिन डाउन हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है शायद जीरी मंगवाने वास्ते करते होंगे, और बासमती तो कम से कम भी 5,000 के आसपास बिकनी चाहिए। के अनुसार 11-21 कहाँ तक जा सकती है और जो बासमती है वो कहाँ तक बिक सकती है? देखो जी, हमारे हिसाब से 4,000 तो 11-21 समझो जी, और 4,500 तो ये चल रही है। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। इस समय हम कैथल की नई अनाज मंडी में हैं। आपको बता दें कि पूसा 11-21 और बासमती को लेकर किसान भी असमंजस में है, क्योंकि पिछली बार की बजाय इस बार जो रेट है वो काफ़ी उछाल में है और काफ़ी अच्छा रेट किसानों को मिल रहा है। तो किसान कभी रेट अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। पिछले दो दिन से रेट जहां 11-21 का 4,000 के पास था, लेकिन अब वो डाउन आकर 200 रुपये कम आज कैथल की मंडी में बिकी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हम आढ़तियों से बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो रेट है अप डाउन कैसे होते हैं, क्या कारण है, और क्या 11-21 बासमती के रेट और बढ़ेंगे। जो किसान अभी कुछ किसान इस असमंजस में जो धान को रोके हुए हैं कि रेट है और बढ़ेंगे, लेकिन पूरी स्थिति क्या है इस बारे में तो हम भी कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो आढ़ती हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 11-21 के क्या कुछ रेट इस समय चल रहे हैं और क्या कुछ जो रेट हैं वो बढ़ेंगे। और किसानों से भी हम अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जनाब। नमस्कार जी। जो 11-21 है वो आज क्या रेट बिकी और क्या कुछ अप डाउन होता है इसमें, तो क्या कारण है सर? 11-21 4,000 रुपये बिकली और आज 3,900 रुपये रेट है जी। अब की बार फसल के रेट तो अच्छे हैं, जिम्मेदार भी खुश हैं जी, लेकिन झाड़ बहुत कम है जी। इतना खुश होने वाली बात भी नहीं है किसानों के लिए। पिछली साल जीरी के रेट बहुत कम थे, इसी कारण लोगों ने सबसे ज़्यादा पीआर लगा रखी थी। अब की बार पीआर मंडी बहुत आई है और उछाल आने की जहाँ तक संभावना है या मंदा तेजी की है, ये एक्सपोर्टर इनको सोच रहे भी थोड़ा सा नीचे लाएं और कम दाम में लें, क्योंकि माल कम है और माल की इनको पूर्ति भी चाहिए। देश में डिमांड है बरीक माल की, बरीक माल बहुत कम है और मुझे उम्मीद है मंदा आने की कोई संभावना नहीं है। तेजी आए ना आए 100-200-400 की तेजी भी आ सकती है। दूसरी बात, बासमती में अब की बार बहुत मंदा है। बासमती में कम से कम भी आज के पिछले साल के हिसाब से 4,500-4,600-4,800 रुपये बिकने चाहिए, लेकिन ये 4,400 बिक के 4,250 रहेगी। तो क्या कारण है, मंदा क्यों है? मंदा कारण तो थोड़े चावल की डिमांड की बात होती है। अगर डिमांड हो जाए 100 रुपये तेज हो जाए चावल, तो मार्केट में चावल तेज कर देते हैं और डिमांड थोड़ी कम हो जाए, लेकिन डिमांड तो चाहिए, लोगों को माल तो चाहिए खाने के लिए। 11-21 की खपत इतनी ज़्यादा है अपनी नहीं है, बासमती की खपत कम है, लोकल में डिमांड है बस। और एक्सपोर्टर 11-21 का बहुत एक्सपोर्ट अच्छा है और संभावनाएं अच्छी हैं जी। जैन साहब, ये रेट अप डाउन कभी एक दिन में डाउन आ जाता है 100-200 रुपये, कभी अप हो जाता है, तो ये क्या कारण है? इसमें पर्ची इनकी क्योंकि माल कम है। अच्छा, अब तो जिम्मेदारों को भी हिसाब आ गया, जब ये मंदा लाते हैं वो जिम्मेदार माल रोक लेते हैं, तेजी आती माल ले आते हैं जी। ये कोशिश इनकी रहती है, जब देखे माल मंडी में कम है तो ये रेट बढ़ा देते हैं, और जब माल देखे मंडी में ज़्यादा रहा तो ये कम कर देते हैं। और मंदा तेजी वाली कोई ऐसी बात नहीं है, तो और ना ही मंदा अगली बार कहीं ना कहीं रेट ठीक ठाक रहेंगे, मतलब बहुत बढ़िया रहेंगे, और कोई संभावना मंदे की संभावना नहीं है, क्योंकि उनको पूर्ति चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई पे आधारित सारी मार्केट, डिमांड अच्छी है और चाहिएगी भी, क्योंकि पिछले साल कोई माल बचा हुआ नहीं है, सारी पाइपलाइन खाली है और इनको लेना पड़ेगा माल। जी हाँ जी, आप बताइए सर, नाम आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। जी आप आढ़ती हो? हाँ जी, हाँ जी आढ़ती हूँ जी। तो 11-21 के बारे में और बासमती के बारे में हम बातचीत करेंगे, तो जैसे रेट है अप डाउन होते हैं, तो क्या कारण आता है इसका? अप डाउन का कारण तो जी ये सेलर वाले बता सका क्या कारण है, कभी मंदा लिया जाए कभी तेज, ये सोचते हैं कि ज़्यादा तेज ना हो जाए, लेकिन माल की मात्रा बहुत कम है। अब की बार प्यार बहुत ज़्यादा थी, 11-21 और 17-18 ये तो बहुत कम है, तो इसके रेट मंदे आने की तो कोई संभावना नहीं जी। वैसे तो 4,000 बिके, अभी आज 3,900 रहेगी और 17-18 3,850, लेकिन हमारे हिसाब से ये है कि ये कम नहीं जाएगी जी। तो आपके हिसाब से मतलब कहाँ तक 11-21 जा सकती है और कहाँ तक? देखो जी, सही स्पष्ट तो क्या कहें हम, क्या जा सकती है, लेकिन मंदा नहीं आएगा भाई, आइडिया या 4 कोई आसपास तो ये बिकेगी। तो किसान भी असमंजस में है, लेके आए ना लेके आए, कुछ किसानों ने रोक रखी है? देखो किसान तो इसलिए जी डेली अप डाउन हो, अच्छा नहीं होता जी, न जिम्मेदार के लिए होता है, ना आढ़ती के लिए,
क्योंकि इसमें आड़ती जिम्मेदार आपस में हो जाए जी, आज इस रेट भी की, कल ने जैसे आज बासमती थी आज 4.5 भी की है, कल यही 4.4 भी की है, बार मंडियों में 4.45 भी की है, लेकिन एक दिन इतना मंदा आना आपस में जिम्मेदार ने भी बहुत धक्का लगता है जिसको, और हम तो कह रहे इतना मंदा आना भी नहीं चाहिए, और बासमती तो कम से कम भी 5,000 के आसपास बिकनी चाहिए। ये हाँ जी, आप बताइए नाम आपका जी। महिपाल जी। जी आप अड़ती हो? हाँ जी हाँ जी। तो हम जो 11 इंच की है इसके रेट जो इस बार पिछले साल से तो काफ़ी अच्छे हैं, तो कोई किसान रोक के भी हुए हैं, तो कहाँ तक जाने की उम्मीद है रेट और अप डाउन होने का क्या कारण? नहीं, अप डाउन तो जी वैसे बंदा तो जी क्या तो कोई वो नहीं है जी, और रेट तो अब ठीक थे जी, और 2 दिन तेज़ हो गए, 2 दिन मंदे हो गए, इस चीज़ का जिम्मेदार रोक रहे हैं मतलब। तो ये 2 दिन तेज़ हो जाते हैं, 2 दिन डाउन हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है शायद जीरी मंगवाने वास्ते करते होंगे जी। हाँ जी, नाम आपका? राजकुमार जी। आप परचेजर हो? हाँ, पेडी परचेजर जी। जो ये 11 इंच के रेट कभी डाउन हो जाते हैं एक घंटे में, एक घंटे में बढ़ जाते हैं और डेली के रेट आते हैं, तो क्या कारण है जी? बताऊँ क्या है जी, इसका तो ये है जी, जो चावल है ना चावल जी, जो एक्सपोर्ट लाले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जी जो चावल का रेट है ना उसी के हिसाब से चलता है जी। हाँ जी, जैसे कि आज चावलों के सौदे होते हैं इसको शाम को, अगले दिन फिर रेट उसी के हिसाब से निकलते हैं जी। हाँ जी, अब जो किसान मतलब रोके हुए हैं हाँ, कुछ किसान ये आगे रेट और बढ़ेंगे हाँ, तो आपके अनुसार रेट बढ़ेंगे या डाउन होंगे या यहीं रहेंगे? देखो इस तरह है जी, ज़्यादा तो नहीं है फिर भी नहीं, कोशिश है जिस तरह 100-200 रुपए तो दिखे है भाई, आगे जिस तरह चावल की डिमांड ज़्यादा होगी और जो फसल है ना वो कम होगी उस हिसाब से जी। हाँ, जो परचेजर हैं या जो वो सेलर वाले हैं हाँ, वो 2 दिन तो 200-300 रुपए अप कर देते हैं, 2-3 दिन फिर डाउन ले जाते हैं, क्या कारण है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है जी, ये चावलों के ऊपर चलती है। हाँ जी, जैसे भी चावलों की जो सौदे होते हैं ना उसी के हिसाब से मार्केट होता है जी। हाँ, ये चावल 70 रुपये हो जाओ फट दे 4200 रुपये कर देंगे। तो आपके अनुसार 11 इंच की कहाँ तक जा सकती है और जो बासमती वो कहाँ तक बिक सकती है? देखो जी हमारे हिसाब से 4000 तो 11-21 समझो जी, और 4500 तो ये चल रही है, चले आसपास में यही है, थोड़ा बहुत और एक रेस्तरा थोड़ा बहुत जी। हाँ जी, अब जो